मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपका जो पार्ट 6 है उसको आगे शुरू करूंगी। अभ्यास इसकी 6.1 और 6.3 पहले ही पूरी हो चुकी है और पार्ट का नाम है विभाज्यता की जांच। पार्ट का नाम है विभाज्यता जांच, मतलब कोई भी जो संख्या है उसका भाग किसी संख्या से जा सकता है या नहीं जा सकता है उसकी जांच करने। अभ्यास है 6.3। ठीक है, शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, निम्नलिखित संख्याओं में से 6 के द्वारा कौन सी संख्याएं भाज्य नहीं है? तो कौन सी संख्या ऐसी है जो 6 से भाज्य नहीं है? 6 से भाज्य का मतलब इसका भाग 6 से नहीं जाता है। तो मैं प्रश्न को आप लिख लेना, मैं सिर्फ उत्तर करवा रही हूँ। मतलब 6 का कोई भी संख्या 6 से भाग उसका जाएगा या नहीं जाएगा, बिना भाग के आपको बताना है। तो 6 का भाग किसी संख्या से जाएगा या नहीं जाएगा उसका देखने के लिए आपको पता होना चाहिए उस संख्या का भाग। अगर 2 से और 3 से, दोनों संख्याओं से अगर उस संख्या का भाग जा रहा है तो वो 6 से भी उसका भाग चला जाएगा। क्या कंडीशन है कि कोई भी संख्या है, जैसे ये वाली संख्या है ना, पहले ही प्रश्न में ले रही हूँ। तो जैसे ये संख्या है, अगर इस संख्या का भाग, इस संख्या का भाग क्या है, 2 से और 3 से, दोनों से जाएगा तो वो 6 से उसका भाग, 6 से उसका भाग चला जाएगा। अब मान लो, अगर समझ लो ऐसी संख्या है जिसका भाग 2 से तो जा रहा है लेकिन 3 से नहीं जा रहा है, तो वो 6 से इसका भाग नहीं जाएगा। 6 से भाग जाने के लिए उसको दोनों संख्याओं से भाग जाना ज़रूरी है। या ऐसे हो कि 2 से नहीं जा रहा हो, 3 से जा रहा हो, तब भी वो 6 से भाज्य नहीं होगा। दोनों संख्याओं से जाना चाहिए, तब जाके वो 6 से उसका भाग पूरा पूरा जाएगा। तो दोस्त का देखने के लिए कैसे देखते हैं, मैं वापस बता देती हूँ। किसी भी संख्या का अंक को 2 से उसका भाग कब जाएगा? जब सब इकाई अंक यानी जो लास्ट डिग्री संख्या होती है, या तो वो 0 हो, या ऐसी संख्या हो, या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8, जो 2 के पहाड़े में जिसका जो संख्या आती है वो क्या होगी, वो संख्या क्या हो जाएगी, 2 से इसका भाग चला जाएगा। इसका इकाई अंक 2 है, 2 आता है ना 2 के पहाड़े में आता है, तो ये 2 से भाग इसका चला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 3 से इसका भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो कैसे देखते हैं 3 का देखने के लिए, सारी संख्या जितनी भी संख्या होती है उनको जोड़ लो, 3 और 2 जोड़ो उनको, जो भी संख्या है प्रश्न में उनको जोड़ दो। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12। अगर जोड़ने का उत्तर ऐसा हो जो 3 के पहाड़े में आए, 3 के पहाड़े में 12 आता है, तो ये संख्या 3 से भी क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। और दो और तीन दोनों से इस संख्या का भाग जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 6 से भी इसका भाग जाएगा। ठीक है, संख्या 6 से तीन दोनों से जाएगा, तो ये भी इसका भी भाग चला जाएगा। 9743, एक बार ये देखते हैं, 9000 ये वाली संख्या, प्रश्न 9743, क्योंकि इसका भाग देखो 2 से इसका भाग जा सकता है, नहीं, 9743 से
खाने में तीन नहीं आता ना, यह दो से भाज्य नहीं है। अंकों का योग क्या है इसमें? अंकों का योग, अंकों का योग इसमें क्या है? नौ प्लस सात प्लस चार प्लस तीन, कितना है इनका योग? कितना होगा इसका योग? हुआ नौ सात सोलह, सोलह चार बीस, तेईस है इसका योग। कितना है? तेईस। जो क्या है? जो तीन से, तीन से भाज्य नहीं है। वैसे इसका लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्यों? क्योंकि है ना, एक संख्या से इसका भाग नहीं जा रहा तो तीन का लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देना। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा है। दो से नहीं जा रहा तो एक भी किसी संख्या से नहीं जा रहा, दो का देखने पर ही पता चल रहा है दो से नहीं जा रहा, तो तीन का चेक करने की जरूरत नहीं। सात सौ छब्बीस तीन से पाँच है।
2726 का इकाई अंक क्या है? इकाई अंक 6 है, जो 5 से भाज्य नहीं है। अगला भी इसी तरीके से है, वो भी भाज्य नहीं है, आप लिख देना। अगला नहीं, ये तो है, ये नहीं, ये 5 से तो हो रहा है लेकिन 3 से नहीं होगा। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 4 से भाज्य नहीं है? 4 से भाज्य देखने के लिए कोई भी संख्या 4 से भाज्य उसका होगा या नहीं होगा, उसको देखने के लिए आपको आखिरी की दो संख्या उसकी देखनी होगी। अगर आखिरी की दो संख्या अगर 4 से उसका भाग चला जाता है तो वो संख्या 4 से भाज्य होगी। जैसे 228 का इकाई और दहाई का अंक क्या होता है? 28 होता है, तो 2 4 के पारे में 28 आता है, तो ये 4 से भाज्य होगा। अगला जो इसमें संख्या है 2165, आखिरी 4 से भाज्य नहीं है, क्योंकि आखिरी 2 संख्या 2 अंक, आखिरी 2 अंक क्या है? 65 है, जो 4 से भाज्य, यानी 4 के पारे में नहीं आता, से भाज्य नहीं है, ठीक है, इसलिए ये संख्या 4 से भाज्य नहीं होगी। बाकी है 21848, 48 आता है 4 के पारे में तो ये हो जाएगी, 54 ये भी आता है 4 के पारे में तो ये भी हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न चौथा, क्या 4 से भाज्य संख्या 2 से भी भाज्य होगी? उदाहरण दीजिए। यानी कोई भी संख्या 4 से भाज्य संख्या, 4 से भाज्य यानी 4 का जैसे 12, 4 × 4 4 × 2 8, 4 × 3 12, 4 × 4 16, सारी संख्या ऐसी होती है इसमें जो क्या होती है, सम संख्या होती है, और सारी सम संख्या वाला का भाग 2 से भी चला जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, सारी जो संख्याएँ हैं वो 4 से जो भाज्य होती है वो 2 से भी भाज्य होती है। उदाहरण लिख लेना, कोई भी 12 लिख दो, 24 लिख दो, 36 लिख दो, ठीक है। अगला प्रश्न पांचवा, ये प्रश्न मैं चलो आपको कल की क्लास में बता दूंगी, आज तो यहाँ पे करवाने का भी नहीं है स्पेस, तो कल की क्लास में आपको मैं आगे के प्रश्न करवाऊंगी। तो ये वाले प्रश्न आप अपने प्रश्न अपनी बुक में से देख कर लिख लेना, और ये वर्क आप अपनी कॉपी में लेना। थैंक यू।